वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होंडा का यूनिकॉर्न है। तो दोस्तों एक गाड़ी को परचेस करने गाड़ी का आपको एक शोरूम प्राइस कितना आएगा, आरटीओ कितना आएगा, इंश्योरेंस कितना आएगा, ऑन रोड प्राइस कितना आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये गाड़ी लेना चाहते हैं अभी ईएमआई में तो इस गाड़ी का आपको डाउन पेमेंट कितना भरना पड़ेगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको लोन अमाउंट कितना आएगा, तो दोस्तों गाड़ी का आपको टोटल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये कितना आएगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको मंथली ईएमआई कितना आएगा, ये सब डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले एक बात बताएं दोस्तों, पुणे सिटी का प्राइस है, अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग प्राइस होता है, थोड़ा वो चेंज होता है। तो आपके सिटी का आपको रियल प्राइस जानना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आपके सिटी का नाम दीजिए दोस्तों, हम आपको आपके सिटी का रियल प्राइस बता देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी नॉलेज वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। होंडा का यूनिकॉर्न, तो दोस्तों अगर आपको एक शोरूम प्राइस 1,09,000 के आसपास दोस्तों गाड़ी का आपको एक शोरूम प्राइस आएगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको आरटीओ 11,000 के आसपास दोस्तों गाड़ी का आपको आरटीओ भरना पड़ेगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको इंश्योरेंस 9,400 के आसपास दोस्तों गाड़ी का आपको इंश्योरेंस आएगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस 1,22,000 के आसपास दोस्तों गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं ईएमआई में, तो दोस्तों आपने डाउन पेमेंट किया 5,000 से 6,000 तक, तो दोस्तों आपको वो गाड़ी का इंटरेस्ट लिया आपने 36 मंथ का, तो दोस्तों गाड़ी का आपको मंथली ईएमआई 4,000 के आसपास दोस्तों गाड़ी का आपको मंथली ईएमआई जाएगा। तो दोस्तों आपने डाउन पेमेंट ज़्यादा किया तो आपको मंथली ईएमआई कम आ जाएगा। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका डाउन पेमेंट कितना करने का। तो दोस्तों हमने पे 6,000 के डाउन पेमेंट लिया है दोस्तों, तो आपके मन से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी का टोटल लोन अमाउंट 1,16,000 के आसपास दोस्तों ये गाड़ी पे आप लोन कर सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी का टर्नओवर हमने 36 मंथ चुनना है दोस्तों, तो आपके मन से आप टर्नओवर चुन सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी का आपको इंटरेस्ट 9.5% आए दोस्तों, तो आपके आपके सिविल के ऊपर माना जाता है कि आप अपना इंटरेस्ट कितना लेने का। तो दोस्तों गाड़ी का आपके मन से आप वो आपके सिविल के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ले जाएगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको मंथली ईएमआई 4,000 के आसपास दोस्तों ये गाड़ी का आपको मंथली ईएमआई जाएगा। तो दोस्तों एक कुछ डिटेल्स है ये गाड़ी का, अगर आपको किसी भी गाड़ी का डिटेल जानना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो गाड़ी का नाम दीजिए दोस्तों, तो हम आपको रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरे को ये उम्मीद है कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि ऐसी नॉलेज वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते तब तक अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।